सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेई ट्वेंटी ट्वेंटी में सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है जो माइंड है वो खुला हुआ है वो भरोसा वो ट्रस्ट आप सबका जो यार स्क्वाड के प्रति है उसके लिए यार एक बार थैंक यू तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिए हैं केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ठीक है जेई मन दो के पेपर में से मैंने आपके सामने 25 जुलाई शिफ्ट टू में से चार क्वेश्चंस केमिस्ट्री का मैंने यहाँ पर ले लिया है और केमिस्ट्री के अंदर हम लोग देखेंगे तुक्का ट्रिक्स जुगाड़ ट्रिक्स किस तरीके से हम लोग जो इंटेलिजेंट गेसिंग करते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन किस तरीके से करते हैं ठीक है ना सो so, अगर आपने अभी तक जे एम दो के कोर्स में इनरोल नहीं किया है ना तो जाके आप लोग इनरोल कर लो ये वाला कोर्स आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहा है सारे बच्चों का स्कोर बढ़ रहा है ठीक है मैं आपको स्क्रीन पर कुछ फीडबैक्स भी दिखाता हूँ बच्चों का स्कोर इससे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये जो कोर्स है आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में भी वैलिड रहेगा और आपके पास में एक्सेस जो है वो सेकेंड अटैम्प्ट रहेगी तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आपके पास में एक्सेस पूरे जेईमेन दो हज़ार तेईस के कंप्लीट होने तक रहेगा ठीक है एनरोलमेंट का प्रोसेस बड़ा सिंपल है <laughs> डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है वहाँ पे क्लिक करो जाके सारी डिटेल्स को चेकआउट करो एंड पेमेंट कंप्लीट करो डिजिटली आपको सारी चीज़ें सेंड कर दी जाएंगी और अभी करेंटली एनरोल करने पे आपको 2022 का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है 2023 के एनरोलमेंट के साथ में ठीक है तो उसका भी एक एडवांटेज आप लोग उठा सकते हो होगा क्या बेसिकली आपको इन शॉर्ट बताऊँ तो अगर आपका स्कोर अस्सी सौ पे अटका है ना इस रेंज में अटका है सपोज कर लो तो आपके अंदर वो पोटेंशियल आ जाएगा कि आप वन प्लस जो स्कोर है वो कैसे लाना है आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा आपका माइंडसेट पूरा डेवलप हो जाएगा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के एंगल से सारी चीज़ें ठीक है बहुत खतरनाक कोर्स है जाकर के आप लोग दल से एनरोल कर लो अगर आप लोग को अपने नंबर को बढ़ाना है और एनआईटी सिक्योर करना है तो ठीक है अब आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर में जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन होना तो आप रेसिप्रोकल ऑप्शन अगर होते हैं तो उनको फेवर करा करो ठीक है हम लोग बेसिकली क्या देख रहे हैं तुक्का लगाने का टेक्निक्स देख रहे हैं ठीक है ना तो मान लो चार क्वेश्चन हमारे पास में वन टू थ्री फोर तो पहले क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में आप क्या करोगे ए और बी में से तुक्का लगाओगे क्या आपको बात समझ में आ रहा है क्यों क्योंकि ए और बी में आप देखो टू और वन बाई टू आपस में रेसिप्रोकल है तो ए और बी में से आप क्या करोगे तुक्का लगाओगे इसको और इसको तुक्का नहीं लगाओगे रीजन में बता देता हूं जो भी ऑप्शन आपको दिखे सिमिलर काइंड ऑफ है ना इसी को उल्टा करके ये बना दिया है है ना या फिर इसको उल्टा करके बना दिया है इस टाइप का अगर आपको दिखता है तो <coughs> थोड़े से हाई चांसेस रहते हैं कि उसके अंदर में आपका जो आंसर होगा तो अगर आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करना है तो उसके मेथड्स में आपको बता रहा हूं अंधा तुक्का करोगे तो कुछ भी मार्क कर दोगे वो मत करना इंटेलिजेंट गेसिंग करो थोड़ा सोच के करो कि ऑप्शन बने कैसे हैं समझ में आ रहा है आपको तो यहां पर देख के फील आ रहा है कि या तो ये रहा होगा उससे ये बना दिया होगा या तो ये रहा होगा इससे ये बना दिया होगा एक से दूसरा ऑप्शन बनाया गया है ठीक है ना तो इस तरीके से सोचो कि ऑप्शंस कैसे बनाए जाते हैं सेकंड क्वेश्चन देखो जो भी चीज़ आपको रिपीट होती हुई दिख रही है ना जिस भी चीज़ में आपको टीचर कन्फ्यूज़ कर रहा है उनमें से आप तुक्का लगाओ जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखो काइंड ऑफ रिपीट हो रहे हैं बी 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 ई बी ई समझ रहे हो तो देखो पैटर्न रिपीट हो रहा है सिर्फ एन और ओ का फ़र्क है तो इन दोनों में से आप तुक्का लगाओ सही होने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे ठीक है ये ऑड वन आउट है ये ऑड वन आउट है आपका है ना ठीक है बट बी 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 देखो ऑप्शन की स्टार्टिंग दोनों सिमिलर वे में हो रही है तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या है बेसिकली तुक्का इन दोनों में लगाना है ठीक है ऑप्शंस को देखते हुए आपको तुक्का लगाना है केमिस्ट्री के अंदर में ऐसे बहुत क्वेश्चंस आपको दिखेंगे अगर आपको तुक्का लगाना है और तुक्का आपको उन्हीं क्वेश्चंस में लगाना चाहिए जो आपसे सॉल्व नहीं होते हैं जो सॉल्व हो गए उसमें क्यों लगाओगे जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें तुक्का लगाओगे क्या आपको बात समझ में आ रहा है तो तुक्का भी ऐसे लगाओ कि चार में से दो तो सही हो दस में से पांच तो सही हो बीस में से दस तो सही हो समझ लो फिफ्टी परसेंट प्रोबेबिलिटी आपकी होनी चाहिए सही होने की कोशिश करना है तो यहां पे हम क्या करेंगे सी और डी में से तुक्का लगाएंगे क्योंकि ये दोनों के सिमिलर ऑप्शन है जो भी सिमिलर ऑप्शन दिखते हैं ना उसमें तुक्का लगाओ उन दोनों में से कोई एक चूज करो चांसेस हाई होते हैं सही होने के अच्छा <coughs> केमिस्ट्री में आपको स्टेटमेंट्स के बहुत क्वेश्चन <coughs> दिखेंगे तो जो भी लंबा ऑप्शन होता है ना ऐसे टाइप के स्टेटमेंट्स आपको दिखेंगे जो भी लंबा ऑप्शन होता है जैसे यहाँ पे सी सी ऑप्शन देखो सबसे लंबा है बाकी ऑप्शन क्या है देखो एक एक लाइन के सी ऑप्शन देखो इतना लंबा है कि दो लाइन में उसको अडाना पड़ा ठीक है so, सो इसमें आप क्या करोगे सी को तुक्का लगाओगे सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे हम बस प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं हमारे करेक्ट होने के समझ रहे हो कोई गारंटी नहीं है लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ गई अब ये क्यों हुआ सर देखो लंबा ऑप्शन टीचर की मजबूरी होती है ठीक है जब किसी भी टीचर ने जिसने भी ऑप्शन बनाया उसने तीन छोटे छोटे ऑप्शन बना दिए तो चौथा भी छोटा बना देता एक ऑप्शन लंबा रखा है ना कहीं ना कहीं शायद उसकी मजबूरी रही होगी है ना ऐसा हम सोच सकते हैं कि भाई लंबा ऑप्शन वो हटा भी तो सकता था कोई और छोटा ऑप्शन रख सकता था लेकिन नहीं लंबा ऑप्शन रखा है ना तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि वो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी रही होगी ठीक है अब आ जाओ यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक्सट्रीम को एलिमिनेट कर दिया करो सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू को आप एलिमिनेट कर दिया करो ठीक है उसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं राइट ऊपर से क्वेश्चन आप देखो कैसा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टोटल कितने हैं सेवन सेवन में से सिक्स के होने के चांसेस कम होते हैं ना ऐसे केसेस में कुछ होगा कुछ नहीं होगा समझ रहे हो सात में से छः हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है और सात में से सिर्फ तीन हो इसकी भी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है प्रोबेबिलिटी हाई है सात में से चार या सात में से पाँच होने की क्या आपको बात समझ में आ रही है ये थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ठीक है सो <coughs> so, अगर आपको ऐसे दिया है चूज़ करने तो बहुत हाई और बहुत कम वैल्यू होने के चांसेस कम होते हैं ठीक है ना जनरली फिफ्टी सिक्सटी परसेंट के आसपास हमारे पास में होता है ठीक है तो सात में से चार या सात में से पाँच हमारे होंगे और बाकी तीन या दो नहीं होंगे इस तरीके से ठीक है आपको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा इस चीज़ को राइट सो यहां पर आप क्या करोगे बी और सी में से तुक्का लगाओगे ठीक है इस तरीके से अगर आप तुक्का लगाते हो तो आपके अब सही होने के चांसेस काफी बढ़ गए आंसर्स मैं बता देता हूं फर्स्ट का आंसर देख लेना यार मेरे को जहां तक याद आ रहा है ए था चेक कर लेना सॉल्व करके ठीक है सेकंड का आंसर डी डी दिया हुआ था थर्ड का सी ठीक है थर्ड का सी और फोर्थ का बी ठीक है ये आंसर की हमारे पास में दिए हुए थे तो इसके अकॉर्डिंग आप देखो तीसरा तो सबका सही हो गया और बाकी तीन में से भी एक दो सही हो जाएंगे है ना तो दो या फिर तीन आप लोगों के सही हो जाएंगे तो <coughs> अगर आपके दो भी सही होते हैं तो सही होने के आए हैं आठ नंबर और दो गलत होंगे माइनस टू तो प्लस छः नंबर का आपने क्या किया बूस्ट किया क्या आपको बात समझ में आ रही है और कुछ बच्चों के तो तीन सही हो गए होंगे इसमें से कुछ के तो और लकी होंगे तो चार ही हो गए होंगे ठीक है बट वर्ष के सिनारियों में नेगेटिव नहीं जा रहा ना पॉजिटिव में ही है एक भी सही होता है तो प्लस चार मिलते हैं बाकी तीन गलत भी हो जाए तो भी तो प्लस वन का बेनिफिट ही है ना तो अगर आप इतना सोच के करोगे ना इंटेलिजेंट गेसिंग तो चार में से एक तो मरे मरे सही हो जाएगा ठीक है चार में से दो ही सही हो जाता है तीन भी हो जाता है कई बार सोच के करोगे तो अंधा तुक्का लगाओगे तो फिर

फिर और सेकंड अटैम्प्ट में आप इंप्रूव करना ओवरऑल आपको किसी भी तरीके से एन को जो है सिक्योर करना है आपको अगर हमें नंबर बढ़ाने हैं माइंडसेट डेवलप करना है क्योंकि मैं खुद ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के बलबूते एन आई टी पहुँचा था ठीक है वरना मेरा स्कोर वन थर्टी वन फोर्टी में अटक रहा था सब कुछ करने के बाद में वहाँ से वन के रेंज में मैं लेकर के गया था अपने स्कोर को तो इट इट रिक्वायर ट्रिक्स एंड चीट कोड्स तो अगर आप अटैम्प्ट ही नहीं करोगे ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखोगे ही नहीं तो आपके नंबर कम रह जाएंगे ठीक है ना और मैं ये नहीं चाहता कि आपके नंबर कम रह जाए तो इसलिए आपको कोर्स में भी एनरोल करना चाहिए और यूट्यूब पे भी जितने फ्री एपिसोड्स आ रहे हैं उनका भी आपको जो है बेनिफिट उठाना चाहिए लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ठीक है ना बाकी तो बस यही बात है तो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड कुछ की वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए बने रहिए यार